चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र से फरार हुए चार युवतियों के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने मामले में सत्ताधारी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नारी निकेतन और बालिका गृह में भी ऐसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। साथ ही उनका कहना था कि महिला एवं बाल विकास मंत्री को औचक निरीक्षण करना चाहिए। बीजेपी नारे देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पहले उनके नेताओं से बेटी बचाना मुश्किल हो रहा है और अब कानून व्यवस्था के चलते नशा मुक्ति केंद्र में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपको बताते चले कि बीते हफ्ते देहरादून क्लम टाउन क्षेत्र के एक नशा मुक्ति केंद्र से चार युवतियां फरार हो गई थी, जिन्होंने बरामद होने के बाद नशा मुक्ति केंद्र के संचालक और मुख्य संचालक पर गंभीर आरोप भी लगा दिए थे। उसके बाद कांग्रेस ने यहां पर बीजेपी को घेरा है, साफ तौर पर निशाना साधा गया और कहा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा जो नारा दिया गया है वो बिल्कुल भी यहाँ पे सामने नहीं आ रहा है। बेटी और महिलाओं को बचाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तीन दिनों से एक बहुत ही चकित करने वाला, हतप्रभ करने वाला मामला यहाँ, जिसने पूरे देहरादून ही नहीं उत्तराखंड को सकते में डाल दिया है। भाजपा नारा तो देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस तरह से यहाँ नशा मुक्ति केंद्र से चार युवतियाँ गुमशुदा हो जाती हैं, उसके बाद जब वो बरामद की जाती हैं तो वो कहती हैं कि हमारे साथ नशा मुक्ति केंद्र में दुराचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, रेप हो रहा है। तो ऐसे में मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सब तरफ आप दे रहे हैं, पहले तो आपके ही नेताओं से बेटियों को बचाना मुश्किल हो रहा था और अब कानून व्यवस्था के चलते अगर नशा मुक्ति केंद्र में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो आप सोच सकते हैं दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में क्या हो रहा है।